हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैं आज बना रही हूँ चिकन का सालन। इस ये है हरा मसाला जिसमें मैंने पुदीना, कोथमीर, लहसुन, अदरक डाल दिया था और हरी मिर्ची डाल दिए थे। तो आप लोग भी ऐसा पेस्ट बना के डाल देना। और ये मैंने डाल दिया है, पहले तेल डाल के फिर मैंने मसाला मिक्सी में पीस के डाल दिया था। अभी मैं इसमें जो बचे कुचे पानी थे मसाले, उसको भी मैं डाल दे रही हूँ। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि उसमें मैंने अदरक लहसुन कम डाली थी, तो वापस रिटर्न में डाल रही हूँ। तो आप लोग को डालना है तो डाल सकते हो, नहीं तो नहीं डाल सकते, कोई कंपलसरी नहीं है। और अभी मैं डाल रही हूँ इसमें टोमेटो, जिसमें मैंने 4-5 टोमेटो लेके पीस लिया था मिक्सी में। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ, तो डाल दिया है मैंने। और आप लोगों सबको जुम्मा मुबारक हो। ये जुम्मा के दिन मैं वीडियो बना रही हूँ। अब अपलोड कब करूँगी पता नहीं, बट मैं जुम्मा के दिन बना रही हूँ। तो आप लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो, दुआ में याद रखे मुझे। और ये भी पानी जो बचा था उसे मैंने डाल दिया, तो मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं उसी में पानी डाल के मिक्स करके मैं डाल देती हूँ, अपने खाने में डाल देती हूँ। अभी मैं डाल रही हूँ इसमें गरम मसाला। गरम मसाला है ये, इसमें है कोरिंडर और ये है कोकोनट पाउडर, टर्मरी, गरम मसाला और रेड चिल्ली। रेड चिल्ली, ग्रीन चिल्ली का मैंने उसमें एक ही चिल्ली डाली थी, ग्रीन मिर्ची, हरी मिर्ची। तो इसमें मैं थोड़ा सा ले रही हूँ, हाफ स्पून लिया था, हाफ स्पून ली थी गरम रेड वाला चिल्ली। और अभी इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ चिकन मसाला। आप लोग देख सकते, एक पैकेट मैंने मिक्स किया था, क्योंकि मैं मसाला उसमें कम मिक्स की थी, इसी वजह से मैं ये गरम चिकन मसाला ऐड कर रही हूँ। आप लोगों को करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, कोई कंपलसरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हमको मसाला कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, तो हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो इसमें मैं अभी चिकन मसाला ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, इसे मैं मसाला मिक्स कर दे रही थी, मुझे कहीं बाहर जाना था तो मैं सोची जल्दी बना के मैं चले जाऊँ। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, मैं हाफ गिलास ही पानी यूज़ करूँगी, क्योंकि चिकन खुद पानी छोड़ता है, तो उसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसे मैंने ज़्यादा पानी नहीं यूज़ की हूँ, पर अगर बाद में यूज़ करना पड़े तो यूज़ कर लूँगी। अभी ये अच्छे से उबल रहा है, अभी मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ। देखो, आप लोग देख सकते हो, प्लीज़ आप लोग भी मेरे चैनल पे आइए। मैं अगर नहीं आ रही हूँ तो आने की मैं पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं सपोर्ट किसी को करूँगी तो ही कोई मुझे सपोर्ट करेगा, और सबको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मैं हमेशा हर चैनल में, आप मेरे हर वीडियो में बोलती हूँ। तो बहुत लोग आते भी हैं, अच्छे लोग होते हैं दुनिया में, ये नहीं कि दुनिया से अच्छे लोग ख़त्म हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। लोग अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं, आते हैं। मैं भी कोशिश करती हूँ मैं जाऊँ, क्योंकि मैंने भी इतने सारों को गिफ्ट दिया हुआ है, इतने सारों को सब्सक्राइब किया हुआ है, कि मुझे समझ में नहीं आता है। जैसा नोटिफिकेशन मिलती है मैं ऊपर से जाती हूँ, फिर नोटिफिकेशन ऊपर से आने लग जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबके पास जाऊँ, तो कोई मतलब बुरा ना माने मेरी बात को कि हाँ ये नहीं आती है तो हम इसको अनसब्सक्राइब करें। तो प्लीज़ ऐसा ना करिए, क्योंकि मैं अनसब्सक्राइब नहीं करती हूँ किसी को। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, चिकन गल गया था थोड़ा सा हल्का, तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पोटैटो, आलू ऐड कर रही हूँ। तो आप लोग को लगे ऐड करना है तो करिए, नहीं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ कोरिंडर, क्योंकि चिकन जल्दी गल जाता है, तो साथ में पोटैटो डाल दे तो वो भी जल्दी गल ही जाता है, जल्दी सालन बन जाता है आई थिंक चिकन करी। अभी मैं इसमें मिंट और कोरिंडर डाल रही हूँ, कोथमीर और पुदीना डाल रही हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि पुदीना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 स्पून करेट दही, दही यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें, जो सालन ख़राब नहीं करता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, हर कोई खट्टा यूज़ नहीं करता है, पर मैं खट्टा यूज़ करती हूँ, क्योंकि सालन नहीं ख़राब होता है, तो खट्टा रहता है उसमें, तो सालन जल्दी ख़राब नहीं होता है।
अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 स्पून सॉल्ट। अभी मैं इसमें चेक कर रही हूँ पोटैटो की गल गया क्या। आई थिंक गल गया था, हाँ देखिए गल गया था। खट्टा बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, बॉडी को ख़राब करता है खट्टा, तो हो सके तो कम यूज़ करें, खट्टा नहीं यूज़ करना चाहिए, मतलब बोन को हड्डी को कमज़ोर करता है, तो खट्टा ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए हमें। बट मैं सालन नहीं ख़राब हो करके मुझे मजबूरन डालना पड़ता है, क्या करें, तो हो सके तो कम यूज़ करें, इसीलिए मैंने छोटा स्पून दो ही दही लिया। वैसे दही अच्छी चीज़ है, दही ख़राब नहीं, दही से स्किन अच्छी होती है। और देखिए मेरा